हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 6 की, क्लास 7 से टाउन ट्रेडर्स एंड द क्राफ्ट पर्सन्स। देखो अब इजी चैप्टर है, इतना कुछ खास चैप्टर नहीं है और छोटा चैप्टर है, बट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम से प्रस्पेक्टिव से। मतलब या फिर एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से ले लो या फिर किसी भी रूप में आपको अगर ये चीज़ जाननी पड़ जावे कि भाई किस पीरियड्स के अंदर किस टाइप का आर्किटेक्चर या फिर किस टाइप का जो ट्रेड्स था या टाउन्स थे वो कौन कौन से डेवलप हुए, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टाइम पे ये हो रहा था कि जो मिडलीव पीरियड्स था, जब अपने पीक से आने से शुरुआत में था, तब 17वीं सेंचुरी के आसपास में अर्बलाइजेशंस या फिर कह लो कि शहरीकरण, जो बड़े शहर थे उनका शहरीकरण होना शुरू हुआ था। तो टिपिकल इंडिया के अंदर मिडलीव पीरियड्स के तीन टाइप के पीरियड्स कह लो, फिर थ्री टाइप ऑफ टाउन्स थे। कौन कौन से थे? तो पहले थे टेम्पल टाउन्स, फिर था आपका एडमिनिस्ट्रेशन टाउन, और तीसरा था आपका कॉमर्शियल या फिर कह लो पोर्ट टाउन। तो आपका कॉमर्शियल और पोर्ट टाउन में आप समझ में आ चुका होगा कि व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होगा एडमिन स्टाफ कह लो, जिसके अंदर आपका फाइनेंस, आपका ऑडिट, जिसके अंदर आपका जो मेन इंपॉर्टेंट लॉस वगैरह क्रिएट करने आप उसमें आ गए। आपका टेम्पल टाउन, टेम्पल टाउन में आपकी दो चीज़ें होंगी, एक तो राजा खुद बैठेगा और दूसरा आपका भगवान बैठेंगे। तो ये आपका टिपिकल चीज़ें वहाँ चल रही थी। आगे बात करते हैं तो अरब, तुर्कीस, अफगान्स, इन लोगों ने क्या किया, दूसरे दूसरे शहरों से आके अपने 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 इन जगहों पे भारत के अंदर अपने उन चीज़ों को डेवलप किया, उनको रखा और उनको समझाया लोगों की हम लोग इस तरीके से भी ज़िंदगी जी सकते हैं। ओके, सोर्स ऑफ नोइंग अबाउट द हिस्ट्रीज ऑफ दिस पीरियड, कि हमको पता कैसे चलता है कि हम लोगों ने इतने इतने पार्ट्स में डिवाइडेड थे। तो जितने भी आपको ऊपर जो नाम दिख रहे हैं ना, ये जो आपके इंग्लिश में टिपिकल इंग्लिश में नाम दिए, अब्दुल रजक, समरकुद्दी वाला सब कुछ नाम दिए हुए हैं, ये सब की जो लाइफ हिस्ट्रीज थी, ये जो जब यहाँ पे आए थे ऐसे ट्रेवलर आए थे, यहाँ घूमने के लिए आए थे, शहरों को एक दूसरे की कंट्रीज को रिसर्च के रूप में यूज करते थे। जब वो रिसर्च करते, रिसर्च मतलब वो डिस्कवर कर रहे थे, राइट। तो जब इनकी जब डिस्कवरी कर रहे थे ना, तो वो भारत में आके भी उन्होंने बहुत चीज़ें बताई थी। तो उन्हीं के लाइफ ऑफ पीरियड्स को हम आज भी ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हमको पता है। ओके, अब कोट टाउन कौन से थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स कह लो कि ये ऐसी चीज़ें थी जो कैपिटल्स के रूप में यूज़ होती थी, ठीक है। आपके जितने भी कोट टाउन्स होंगे वो आपको इतना दिमाग में लगाना है कि कोट टाउन मतलब वो कैपिटल सिटीज़ होंगे, क्लियर। ओके, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, तो उस टाइम पे लाहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी एंड दिल्ली। अब फतेहपुर सीकरी वॉज अ न्यू कैपिटल फाउंडेड बाय द अकबर, और एक चीज़ याद रखना कि दिल्ली वॉज नोन एज ए शाहजहानाबाद, ठीक है, जिसके अंदर बिल्ड बाय द शाहजहां इन द 1639। समझ में आ गया आपको कि शाहजहानाबाद को बिल्ड किसने किया था, तो शाहजहां ने किया था। कब किया था? तो 1639 में किया था। और दिल्ली पहले दिल्ली नहीं था, वो शाहजहानाबाद था, और उसके पहले फतेहपुर सीकरी वॉज द मेन कैपिटल ऑफ होल होल मुगल एम्परर्स के लिए, ठीक है, पूरे मुगल राज्य के लिए, जो पूरा का पूरा आसाम मिजोरम से फैल के हुए उस साइड अफगानिस्तान गजनी तक फैला हुआ पूरा पार्ट था। क्योंकि गजनी के अंदर उसने एक हिंदू राजपूत राजा को अपॉइंट किया था कि तू जाके वहाँ पर मेरी उस बॉर्डर को तू संभालेगा, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक सो महाराजा कुछ करके उनका नाम था, उनको वो पॉइंट दिया था। क्योंकि उनको पता था, देखो अकबर वॉज ए वेरी टैलेंटेड पर्सन, उसको पता था कि मुझे किस कैटेगरी के लोगों को कहाँ भेजना है, ठीक है। उसको एक चीज़ पता थी कि जो अफगान लोग हैं वो गर्म खून वाले और लड़ने वाले हैं, राजपूत लोग हैं वो गर्म खून वाले लड़ने वाले हैं। तो उसने पहले दिमाग लगा दिया कि इसको इंसान को, जो जितने भी राजपूत राजा हैं उनको यहाँ से शिफ्ट करके ऐसे ऐसे जगह पर भेज दो कि जहाँ पर वो सिर्फ युद्ध लड़ते रहें और वो कुछ और थिंकिंग ही ना कर पाए और कुछ वो सोच ही ना पाए। तो जब भी आप अकबर का इतिहास पढ़ोगे ना, आपको देखने को मिलेगा, आपको जानने को मिलेगा, उसने राजपूत राजाओं को अलग अलग विस्तारों में डिवाइड कर दिया था, कि जहाँ उसको लगता था ना कि ऐसे मेरे खतरा हो सकता है, उसने वहाँ पर राजपूतों को आगे रखा था, राइट। तो ये अकबर का दिमाग था कि अकबर ने उसको इस तरीके से यूटिलाइज किया था। आगे बात करते हैं पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन्स। अब देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे सी रूट्स थे उस टाइम पे आपके बने हुए थे, जो आपका सूरत में कह लो, कॉम्बे कह लो, या बॉम्बे कह लो, या मुसलीपल्टनम कह लो, ये सब कुछ कहाँ था, ये सब कुछ आपके इंडिया के आसपास का सारा एरिया था। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको इतना कुछ जानना ज़रूरी है कि भाई जिस तो मैंने आपको मार्क किया है ना, आपको उसमें खाली इतना रहना कि सब मेजर पॉइंट्स के आपको इतना रहना कि कौन कौन से मेजर पॉइंट्स थे। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, ये आपका वो होता था कि जो पूरे के पूरे सेंट्रल कह लो, कोई भी कंट्री हो या फिर कोई भी स्टेट हो, उसका मेन सेंट्रल पॉइंट था एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ।
कि अगर वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और वो वन ऑफ द ऐसा सिटी होता था जो कैपिटल्स के रूप में इस्टेब्लिश होता था, ठीक है, टेम्पल्स वगैरह और जो राजा का जहाँ पे रहने का स्थान था वो सब कुछ हम लोग कैपिटल्स के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो लोग खुद उस चीज़ को बनाते नहीं थे। क्यों? थे वांट्स कि भाई जहाँ पे एडमिन स्टाफ, जहाँ पे फाइनेंस का पूरा का पैसा हो रहा है वो मेन कैपिटल रहेगा, जिससे कि सारा का सारा ध्यान राजा का ऑटोमेटिक उसके ऊपर रहेगा। और आप देख लेना कि जितने भी एडमिन स्टाफ जो होंगे या फिर अगर एडमिन पूरा डिपार्टमेंट था वो राजा के इर्द गिर्द के राज्य के अंदर उसको स्टैब्लिश करता था। राजा खुद चाहता था कि कहीं ना कहीं मेरे अंडर में हर वो चीज़ रहनी चाहिए, वरना तो किस दिन वो पता चला कि यहाँ से बहुत दूर है, मतलब ये समझ लो कि दिल्ली उसकी राजधानी है और गुजरात के अंदर उसने अपना एडमिन स्टाफ रखा है, पता चला कि वहाँ से पहुँचते यहाँ पहुँचने तक यहाँ पे खुद की आर्मी खड़ी करके बैठ चुका है ये इंसान, और अगले दिन आके अकबर के सामने विद्रोह कर रहा है। तो वो ना हो पाए इसलिए उसने हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन सिटीज़ को अपने इर्द गिर्द में रखा था हमेशा, याद रखना। ओके, नाउ द टेम्पल्स एंड द कह लो क्या कि जो आपके टेम्पल्स टाउन थे या फिर जो कह लो कि गिरजाघर थे, मतलब जहाँ पे जाके लोग पूजा पाठ करते थे, इन लोगों ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। क्यों? क्योंकि उनको इकनॉमिली और सोसाइटीज़ के अंदर, सिटीज़ के अंदर डेवलपमेंट अब दिखने को मिल रहा था। जो आपके गिरजाघर थे वो ह्यूज डोनेशन दे रहे थे टेम्पल्स को क्रिएट करने में। क्यों? क्योंकि वो डोनेशन से टेम्पल्स लोग आगे ट्रेडर्स को, बैंक वालों को एज ए लोन्स के ऊपर, एज ए ट्रेड्स के ऊपर फाइनेंस को प्रोवाइड कर रहे थे। मतलब उस टाइम पे भी ये थिंकिंग लोगों की थी कि भाई जितना पैसा भी आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, जो पैसा बच रहा है उससे हम लोग बैंक, उससे हम लोग ट्रेड्स, उससे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ कर सकते हैं, बट वहाँ पे सिर्फ पैसे का लेन देन होगा, उसके बाद इंसानों से कोई लेना देना नहीं है, राइट? और याद रखना, जब वो टेम्पल्स के द्वारा दिया जा रहा है मतलब इनडायरेक्टली किंग्स के द्वारा दिया जा रहा है। सिंपल सी बात, अगर आपने टेम्पल्स को धोखा दिया तो मतलब आपने, सिंपल सी बात, आपने किंग को धोखा दे दिया, और आपने किंग को धोखा दिया मतलब आपको सजा ही मौत तो कन्फर्म है, राइट? तो ये पूरा का पूरा सर्कल था कि लोगों को लग भी नहीं रहा था कि भाई हम लोग पैसा कहाँ से आ रहा है, और इनडायरेक्टली जो किंग था वो पैसा कमा भी रहा था, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको जो जानने की ज़रूरी थी। ओके, हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द ब्राउन्स? अब जो मेडल, तीन टाइप के मेडल होते हैं, गोल्डन, सिल्वर और ब्राउन्स। जो ब्राउन्स था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप था। क्यों? अब ब्राउन जो आपका कंपाउंड्स था वो कॉपर और टिन से बनता था, और वो इतना इम्पोर्टेंट क्योंकि जो चोल राजा थे ना उन्होंने उसको उसको मिक्सअप किया था वैक्स के साथ। क्ले होता है एक टाइप का टॉक्सिक क्ले होता है, उसको उसने उस कंपाउंड के साथ मिक्स करके वहाँ पे उसने स्टैचूज का क्रिएशन किया था। अब जो चोल राजा थे उन्होंने उसमें से कॉपर्स को और टॉक्सिक वैक्स को, क्ले को, दोनों को मिक्सअप करके ऐसी टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया कि उसने उस हिसाब से उसने नए नए स्टैटूज को डेवलपमेंट किया। जब स्टैटू को डेवलपमेंट किया तो कॉपर का दाम और बढ़ गया, ठीक है। फिर आपका इमरजेंसी ऑफ द स्मॉल टाउन। अब सिंपल सी बात है, जब स्मॉल टाउन्स थे, जब हमको दिख रहा था कि भाई 17 सेंचुरीज के तक तक चल सकते हमको लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना ही पड़ेगा, और हमको हमारे व्यापार के लिए आगे जाके कि ना किसी समुदाय से या किसी लोगों से हमको बातचीत करनी पड़ेगी, तो इसलिए उस टाइम पे मंडपिका करके एक जगह थी जहाँ पे जो स्मॉल टाउन्स थे वो वहाँ पे आके अपने अपनी जितने भी क्रॉप्स थी, फार्मिंग्स थी, जो कुछ भी उसने उन लोगों ने किया हो, जो कुछ भी उन्होंने कमाया हो, जो कुछ भी उसने किया हो, सॉरी, प्रोड्यूस किया, वो सारा का सारा लाके वो मंडपिका में बेच देते थे, ठीक है। ओके, दूसरी चीज़, ऐसी जो शॉप्स थी जो फुल शॉप्स थी कि भाई वो बहुत लंबे टाइम से हैं, उसको हम कहते थे हटा, ठीक है, हटा कहते थे। दूसरी चीज़ कि अब आपको सिंपल से आपको समझ में आ चुका होगा, जो मंडपिका थी वो ऐसी मार्केट थी जहाँ पे फार्मर्स लोग अपनी चीज़ें ला के वहाँ बेचते थे। अब मंडपिका वाले जाके हाटा में बेचते थे, बेचते इन द सेंस कि वो वहाँ से माल उठा लेते थे, ठीक है। और जो आपकी हटा थी वो फुल डे शॉप वाली थी, मतलब ऐसी नहीं कि वो टेम्परेरी बेस, ऐसी नहीं थी, वो फुल डे चलती थी और एक जगह पे स्टेबल थी। तो ये जितने भी प्लेसेस थे ना, यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ों की ट्रेडिंग्स होती थी। हॉर्स की हो सकती थी, स्पाइसिस की हो सकती थी, नट्स की हो सकती थी, साल्ट की हो सकती थी। तो ये सब कुछ किस में था? ये सब कुछ आपका आता था हार्ट्स के अंदर। फिर आपका आता था कि नॉर्मली हर एक पैलेस को, हर एक पैलेस के पास से उसने टैक्स को वसूलना,
हर एक इंसान से उसने टैक्स को लेना, प्रॉपरली टैक्स का कैलकुलेट करना, हर एक चीज़ किसके अंदर आती थी, तो सामंत के अंदर आती थी। सामंत के बारे में हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं नेम ऑफ द ट्रेडर्स। अब देखो सिंपल सी बात, आपको पता होगा कि पहले भी ट्रेडर्स थे, तो मेनली ट्रेडर्स जो हमारे इंडिया के अंदर जो एंटर्स हुए थे वो आपको एशिया, फिर चाइना, साउथ ईस्ट एशिया से, या फिर ऊपर से अफगान की साइड से, फिर आपका इस साइड कह रहे हो तो मुस्लिम जो थे वो थे, मरवेशी थे, वो लोग थे, मतलब कहना कि बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पे आपके इंडिया के अंदर ट्रेड्स के रूप में एंटर करते थे, ठीक है। बाकी बात ही करते हैं हम लोग क्राफ्ट ऑफ टाउन्स, क्या बात करेंगे क्राउट ऑफ टाउन्स। तो आपका बिदरी नगर था, उसके अंदर आपको मेनली क्राफ्टर देखने को ज़्यादा कुछ मिल जाएगा, फिर आपका गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, म्यूजियम, कारपेट, स्कॉल्ड, इन सब को हमने विश्वकर्मा के रैंक में रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिविलेज, अभी कह लो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। अगली बात हम करते हैं सूरत के बारे में, तो सूरत के अंदर बहुत चीज़ें आपको क्लीनिंग, ड्राइलिंग, कॉटन्स के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपका जो गोल्ड का था, जितना पूरा मार्केट था वो फैला हुआ था आपका यहाँ से वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक पूरा का पूरा इंपोर्ट होकर माल को हम लोग भेजते थे। याद रखना कि उस टाइम पे भी एक टैक्स, उस टाइम पे गोल्ड मतलब प्योर गोल्ड को हम लोग नहीं मानते थे, उस टाइम पे टैक्सेस को या फिर कॉटन्स को हम लोग गोल्ड के रूप में यूज़ करते थे, क्लियर। तो ये कुछ आपका पूरा का पूरा इतिहास रहा है, ओके। बाकी कुछ जो जितना कुछ मैंने आपको बताया वो आपको पढ़ लेना है, वो बाद में इसको मैंने इतना कुछ इसमें इसमें देखो मैंने इसको येलो में मार्क नहीं किया है, क्योंकि इतना कुछ इसमें कुछ था नहीं, जो इतना कुछ जो मेरे को लगा था कि जो आपको करना चाहिए, जो आपके एग्जाम से पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी अगर आपके एग्जाम में अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट इन सब के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाय, टेक केयर।